भाई मैं कहना चाहता हूं सर कि एक शो आप दतिया में भी करिए। जी जी मैं जरूर करूंगा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, और मेरी इच्छा भी है कि मैं वहां पे आऊं, दर्शन भी करूं, और उसके बाद मैं जाता भी रहा हूं और फिर करूं। कल बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ वहां पे पहली बार। जी जी ऑफकोर्स जी। देखिए बात अरविंद केजरीवाल जी की है, लेकिन ये मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, मुझे तो विश्वास ही नहीं अरविंद केजरीवाल जी बोल भी पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह सरेंडर ही है। देखिए दिल्ली में नगर निगम भंग हुआ, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, इतना कुछ हुआ दिल्ली में, इनके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ विधानसभा का। वो कह रहे हैं कि इस समय जरा कम कम बोलिए, विरोध कम दिखाइए विपक्ष वाले, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव भी तो लड़ना है, आना भी है। बता रहे ना तो अरविंद केजरीवाल जी पे कोई विश्वास नहीं किया जा रहा। आज मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि भाई भाजपा हमें साथ नहीं ले रही है, वो लाउड स्पीकर पे ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पे भी हम सरकार के साथ पॉजिटिव है। सर गरीब, एक बात मैं स्पष्ट रूप से, एक सेकंड टाइम दे दीजिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा आज, गरीब 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 को राशन फ्री में, गरीब को बिजली फ्री में, गरीब को पानी फ्री में, अरे साहब हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कभी राशन के दुकान पर एक बार खड़ा होकर आप देख लो, वहां बीमार बच्चे जो लाइलाज बीमारी से वो लोग ग्रसित हैं, उनको गोद में लेके माताएं आती है उस राशन को लेने के लिए, विकलांग लोग आते हैं राशन लेने के लिए, बीमार लोग आते हैं राशन लेने के लिए, और उनकी एक मिनट सुन लीजिए, केजरीवाल जी ने तो घर के घर में राशन भेज दिया। जी जी अरे लीजिए, एक सेकंड और सुन लीजिए, राशन घर में भेजा। जी जी ये सब घर पे पहुंच गया सर, उस राशन के हालात देख लीजिए। एक सेकंड और सुन लीजिए। सर मैं कह रहा हूँ कि सरकार गरीब के उत्थान के लिए बनती है, सरकार के मुलाजिम गरीब के उत्थान के लिए हैं, गरीब उसी जगह पर खड़ा है, और जो लोग इस उत्थान के लिए बने हैं उनके बच्चे न्यूयॉर्क और लंदन के स्कूलों में। राइट, समाजवादी पार्टी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, फ्री की राजनीति का हश्र हमने श्रीलंका में देखा है, और श्रीलंका अगर पड़ोस में आपके चोरी होती है तो अगला नंबर आपका है। श्रीलंका सबक सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि श्रीलंका खत्म हो गया सब्सिडी के चक्कर में, फ्री की राजनीति के चक्कर में। प्रतीक जी, केजरीवाल जी झूठ की फैक्ट्री है, ये तो सिद्ध हो चुका है। इनका आत्मा जाग चुकी है, पहले बोलते थे फ्री सब ले लीजिए, आप बोल रहे हैं कि आप सब्सिडी छोड़ सकते हैं, सब्सिडी रख भी सकते हैं, ये चॉइस दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ इनका स्टैंड मैं जानना चाहता हूँ, बुलडोजर पे इनका क्या स्टैंड है? जी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी देश की पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, पहली ऐसी सरकार है जो गरीबों के लिए सोचती है। कल हमारी सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों की भी बस में यात्रा फ्री करी है, दिल्ली में किसी गरीब आदमी को बिजली देना, पानी देना, अगर ये गुनाह है, अगर दिल्ली के अंदर किसी गरीब आदमी को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा देना अपराध है, तो हम गुनाह। एक मिनट में आया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एक मिनट को भाई साहब, इंजीनियर साहब, एक मिनट, आ रहा हूँ। हाँ जी, सरसों का तेल सर 180 रुपए लीटर। सरसों का तेल 180 रुपए लीटर है। अभी खा रहे हो क्या सरसों का तेल? अरे सर सुनो तो, फॉर्चून भी हम भी नहीं सुनते ना, हम भी तो बड़े आदमी हैं। सूंघा जा रहा है सरसों को तेल को, खाना तो पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो सारी ग्रीस खत्म हो जाएगी शरीर में। तो 180 रुपए सरसों का तेल हाँ मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरसों की जो खेती होती है उसमें ही एमएसपी दिला दो। जी जी, सरसों की, जिस तरह सरसों पिसता है उस तरह आम आदमी पिस रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, क्या काम करते हैं आप? सर अधिवक्ता है। अधिवक्ता है? अरे वकील साहब क्या बात है। जी बेटा। सर पामलिन ऑयल, लोग रिफाइंड छोड़ के पामलिन पे आ गए हैं। क्या काम करते हो तुम? सर FMCG डिपार्टमेंट से हूँ। जो 80 रुपए लीटर लॉकडाउन से पहले पामलिन था, आज वो 160 रुपए लीटर होलसेल के रेट पे आ रहा है। आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा? खुशहाल त्रिपाठी। खुशहाल, रुको भाई साहब, आप ही की बात कर रहे, कहो तो कहो। मैं आ रहा हूँ पाजी, आ रहा हूँ बेटा। खुशहाल त्रिपाठी। खुशहाल त्रिपाठी, तुमसे क्या मतलब, 180 मिले या तो तुम्हें तो बोतल फ्री मिल रही होगी। मैं भगाऊंगा भी यहाँ से, और एक ऊपर एक और फ्री मिल रही होगी, भगाऊंगा मैं, बता दे रहा हूँ। यहाँ पे रोज सरसों के तेल की बात कर रहा हूँ तुम्हें, भाग जाओ, या दूसरी बोतल की बात नहीं हो रही, भागो। FMCG का वो हाल हुआ पड़ा है जो मार्केट में होना नहीं चाहिए। लॉकडाउन के बाद से इतनी अंधाधुंध तेजी आई है। लॉकडाउन से पहले कितने का था पामलिन ऑयल? 70 से 80 रुपए लीटर बिकता था, और इस समय 160 रुपए लीटर। और तुम क्या, कहाँ पे काम करते हो? सर फ्लिपकार्ट होलसेल।
जी 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 नो 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 राहुल लाल विल स्पीक राहुल हाँ जी राहुल लाल बुलडोजर का मामला इसीलिए उठ रहा है जो उन्होंने बता रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है। अब देखिए आरबीआई ने टोटल जो है कि ईएमआई भी बढ़ा दिया तो महंगाई का बोझ पहले से ही था। सुन लीजिए अरे राहुल गांधी का कहानी छोड़ दीजिए ना आप फिर विषय से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए ये मामला वही है। और एक चीज बात आरबीआई की रिपोर्ट में देख लीजिए हमारे देश में 50 लाख करोड़ का कम से कम नुकसान और आरबीआई ने कहा है कि देश को वर्तमान ग्रोथ रेट पर चलने में 12 से 13 साल लगेंगे। जी प्रतीक जी अच्छा राहुल गांधी जी के घर पे बुलडोजर चला क्या? अरविंद केजरीवाल जी के घर पे बुलडोजर चला क्या? इस जनता के घर पे बुलडोजर चला क्या? नहीं चला। जो आतताई है जो गुंडे ही करते हैं जो अवैध अतिक्रमण कर रखे उनके घर पे बुलडोजर चला। मैं कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ जो आतताई है जो जिनको ये शांति के दूत बोलते हैं क्या उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? प्रतीक जी मैं माफी चाहता हूँ मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बुलडोजर चलाइए ना हम भी आपके साथ हैं। जो भी अन्यायी है उसके विरुद्ध बुलडोजर चले। ये देश में महंगाई और बेरोजगारी पर जिन लोगों को आज जरूरत है बुलडोजर चलाने की उस पर नहीं चलाएंगे। चलेगा किस पर चलाएंगे? गरीबों पर बुलडोजर चलाएंगे। दूसरी बात 10 सेकंड फिर राहुल जी अजय इधर आओ नहीं 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 ये कोई विषय नहीं है ये विषय नहीं है नहीं नहीं मैं ये हम तैयार बैठे मनोज अजय आप चुप रहेंगे मनोज पार्लियामेंट में वॉकआउट करें मैं आपके साथ खड़ा हूँ। गलत है पार्लियामेंट इज फॉर डिस्कशन हमारे जैसे लोगों के लिए जहाँ पे रेट्स के और लेकिन सब पे महंगाई पे सब पे चर्चा हो लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं 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 मनोज आई वोंट अलाउ मनोज बहुत आदर के साथ आपका बहुत आदर है जी ये तो मैं जानता हूँ और पूरा देश जान रहा है कि जब भी महंगाई बेरोजगारी की बात आएगी तो इनको राहुल जी की भूत याद आएगी। कोई बात नहीं आप राहुल जी पर को जितनी आपको बोलना है बोल लीजिए लेकिन देश के लोगों को महंगाई से राहत दीजिए बेरोजगारी से राहत दीजिए। दूसरी बात एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूँ और देश की जनता समझे ये फ्रीडम ये स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर भी अब जो है बुलडोजर इन्होंने चलाया है। आज जो विश्व में जो रैंकिंग भारत की हुई है आप जानते हैं 8 पॉइंट नीचे आ गया है। आज जिस तरह से ईवीएम जिस तरह से आपने अभी देखा ये ईएमआई पर इन लोगों ने बुलडोजर चला दिया। आम आदमी जो आज लोन लिया होगा उस पर भी बुलडोजर चला दिया। इस बुलडोजर को बंद कीजिए और देश के गरीबों का कल्याण कैसे हो देश का विकास कैसे हो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद कीजिए। अभी वो चलेगा हाँ मैं आ रहा हूँ चुपचाप रहो प्रवक्ता ना बनो उनके चुपचाप खड़े रहो। अब इसमें क्या करेंगे ये जो भैया हैं ये कह रहे हैं सुरक्षा चाहिए हमें पहले सुरक्षा चाहिए बाकी बात में बात होगी। तो अब ये कहते हैं सुरक्षा चाहिए तीन एक अक्षर है जो मैं बोल रहा हूँ च म न च का मतलब चीन से सुरक्षा देश को चाहिए एक सब चीन की नहीं आवाज आती। म का मतलब महंगाई से एक शब्द इनको आवाज नहीं आती और न का मतलब नफरती गैंग। मैं आपका साथ बिल्कुल मिलता आपका सीवर कर देखिए प्रतीक जी नफरती गैंग पर आवाज आएगी कि नहीं? प्रतीक जी चीन बोलिए चीन की बात बोल रहा हूँ मैं। देखिए चीन के डिप्लोमेट के साथ में कौन नाइट क्लब में जाकर के पार्टी करता है ये करते हैं। 2017 में डोकलाम को हम सुलझाने बैठे हुए थे ये जाकर के इनके राहुल गांधी जी वहाँ पर नूडल्स खा रहे थे। और करौली में क्या हुआ नफरत किसने फैलाया वहाँ पर नफरत किसने फैलाया बताइए। जोधपुर में क्या हुआ हिंसा किनके प्रदेश में हुई राजस्थान में हुई। पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा कहाँ लगा राजस्थान में लगा। बताइए मुझे किसने क्या किया नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? नफरत की राजनीति कर रही है कांग्रेस हिंदू मुसलमान करने का क्योंकि इनके पास में दो राज्य बचे हैं उनको बचाने की कवायद चल रही है। पिछले 1.5 महीने से इस देश में सिर्फ अजान पर बात होगी सिर्फ हिंदू मुस्लिम और लाउड स्पीकर पर बात होगी हनुमान चालीसा पर बात होगी। क्या एक जगह महंगाई बेरोजगारी पर ये लोग बात करने को तैयार है? आप लोग करते हैं राहुल गांधी देश चला रहे हैं। अरे मोदी जी चला रहे हैं कि राहुल जी देश चला रहे हैं? अरे कहाँ इसी के लिए दिया था राहुल जी चलाएंगे तैयार है कि मोदी जी चलाएंगे। मोदी जी बोल रही है मोदी जी क्या बोलेगा आ रहा मनोज अब बहुत सारी कई तरीके से डिबेट करते हैं। हाँ जी मैं आ रहा हूँ सर जस्ट गिव मी अ सेकंड सर यू हैव टू वेट
नमस्ते सर, नमस्ते जी सर। एक्चुअली क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद अरशद हुसैन। डॉक्टर मोहम्मद अरशद हुसैन साहब कहाँ करे मेरा ये उठा दे जरा यार। आई एम फ्रॉम बिहार। एक्चुअली सर यहाँ पर कोई रूट पर बात ही नहीं करते। 1964 ईस्वी बिहार से हैं आप? जी बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में समस्तीपुर से हैं। अरे वाह जी। कोठारी कमीशन 1964 में आया, उनका एक स्लोगन था कि जो भारत का फ्यूचर वो स्कूल से आता है। एक्चुअली यहाँ पर कोई एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं करते। अगर एजुकेशन में होगा तभी हमारी संस्कृति की रक्षा हो सकेगी, तभी हम एक दूसरे का सम्मान कर सकेंगे। जब एजुकेशन ही नहीं तो लोग ऊपर ऊपर बात करेंगे कि वो खराब। एजुकेशन से अर्शद साहब अंदर आइए। अर्शद साहब अंदर। अर्शद साहब आपने तो बहुत बढ़िया बात करी। अर्शद साहब बिहार से हैं, समस्तीपुर से, और हमारी समझ से दिल्ली घूमने आए होंगे। दिल्ली घूमने आए हैं। रुको भाई, आ रहे दिल्ली घूमने आए होंगे आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ हमारे इसमें। हाँ हाँ अब इतना भी ना बनाओ हमको। हम है थोड़ा बहुत तो है लेकिन इतना ना बनाओ कि। हाँ बहरहाल डॉक्टर साहब मैं मुद्दे पे आता हूँ। आपने कहा कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक्चुअली एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू इनरिच कल्चर। कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारा कल्चर, हमारा विरासत, जो हमारा हिंदू। आपको लगता है ये हिंदू मुस्लिम जो डिबेट खत्म हो जाएगी अगर हम पढ़ लिख जाएं? बिल्कुल, अगर एजुकेशन पर ध्यान दें तो हम जानेंगे कि एक दूसरे का क्या हक है, क्या राइट्स है, क्या उनको मिलना चाहिए। अगर वो मिलेगा तो कभी होगा ही नहीं चर्चा। तो एक्चुअली हम लोग को एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, जहां हमारा फ्यूचर बन सकता है, हम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। हमें पता चला टीचर ही नहीं आ रहा है, टीचर को पता चला कि पैसा ही नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। समझ आओ ये तमाम, जब एजुकेशन पे बात होगी तो टोटालिटी में बात होगी। जी मैं आ रहा हूँ। सारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जा रही है, इसीलिए आप देखें कि